जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक लाइन में पूरा परिभाषित कर देने वाले संतोष आनंद। मैं एक बात कह के बुलाता हूँ, तीन तरह के कवि होते हैं त्रिवेदी जी। एक वो जो अपनी कविता को लेके किसी शहर या किसी देश में जाते हैं, कविता के सहित वापस लौट आते हैं, यानी कि श्रोताओं के मन पे, पढ़ने वालों के मन पे कोई छाप नहीं पड़ती, कवि वो भी होते हैं। एक कवि होते हैं जो अपनी कविता को लेके किसी शहर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो खुद और कविता के साथ लोगों के दिलों में बस जाते हैं। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, तीसरी तरह के वो रचनाकार होते हैं जिनके किसी शहर किसी देश में जाने से पहले उनकी कविता पहुंच चुकी होती है, उनकी कविता दिलों में बसी होती है, जब खुद जाते हैं तो वो भी दिलों में बस जाते हैं। संतोष आनंद जी इस तीसरी श्रेणी के वो कवि हैं जिनकी कविताएं दुनिया के उन देशों में भी पहुंची जहां अभी संतोष आनंद जी नहीं पहुंचे हैं, आपके पास भी पहुंची। एक बार मेरा मन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए और आज की शाम को संतोष आनंद के साथ जीने कोशिश कीजिए। संतोष आनंद जी हमारे सामने। अरे वाह, क्या है यार, वाह, लगता है मैं सुना चुका हूँ, क्या बताऊँ, आप लोगों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। 4 साल से मेरा ये शरीर नहीं, उस शरीर की छाया सब जगह घूम रही है। ये एक जमाना था, मैं कानपुर ये शायद हर महीने बुला लेते थे, अब मैं आप लोगों के बीच में आके जवान समझता हूँ अपने आप। क्या बात, चार साल से घूम रहा हूँ, मैं भूख पोती है उसे देख के जीता हूँ, लेकिन आप सब नौजवानों में मैं अपने लड़के को देखता हूं। और इस बार, पिछली बार भी आप लोगों की तरफ से बुलावा गया था, लेकिन कोई कारण रहा होगा मैं नहीं आ पाया। इस बार सुरेश अवस्थी जी ने बुलाया, मैं वैसे भी कानपुर बहुत दिन बाद आया हूँ। एक जमाना था लोग ये कहते थे संतोष आनंद का घर तो कानपुर हो गया है, आज मैं आपके बीच में आया हूँ, जैसा भी हूँ आपका। कि तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हीं पे जान देने आया हूं। वाह, तुम्हीं से प्यार करता हूं, तुम्हें पे जान देने आया हूं, आखिरी वक्त है इम्तहान देने। वाह वाह वाह, बड़ी कृपा, बहुत खूब, आखिर मैं धन्य हो गया।
नजारे नजर से ये कहने लगी। नजारे ये ऑर्केस्ट्रा वाली ताली रही, मैं बजवा लूंगा तुमसे। नजारे नजर यार, मैं मुझे लग ही नहीं रहा मैं 80 बरस का हो गया हूँ। आज तो तुमने मुझे 16 बरस का कर दिया। क्या बात है। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी। हाय क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ, तभी मेरे दिल ने आवाज दी, वतन से बड़ी कोई चीज कोई नहीं। हाँ, किसी से शुरू कर दें। चलिए देखिए, तीन गीतों की मेरे पास विशेष मांग आई है। एक प्यार का नगमा है। अरे वो तो क्या है, वो तो ये गाते ही रहते हैं। एक गीत पता नहीं, आज दो मुखड़े यही बने हैं। गीत बाद में बनेंगे, पहले वो मुखड़े सुनो। मेरा खेला ऐसा ही है भैया, फकीर आदमी। ये तो इतिहास हो गया, HBTU में भी बैठकर संतोषानंद जी ने मुखड़े लिखे गीत के। ये अब आज ही दो लिखे मैंने। वाह, चलिए सुनाई दीजिए फिर। आप सुनाता हूँ। हाँ देखिए, मैं फकीर हूँ। मैं फिल्म लाइन में रहा तो भी फकीर रहा, इल्म में रहा तो भी फकीर रहा। लुटाने वाला होता है, किसी से आशा नहीं रखता है। और फकीर और आशिक में कोई फर्क नहीं होता। वाह, मैं दोनों रास्तों से गुजरा हूँ, ये भी आपको बता। स्वागत। तो आज जो लिखे हैं पहले वो सुनो, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग के ही अच्छा लग रहा होगा कि अभी तक बैठा है। ये जग वाले खुशियों का भी दम भरने नहीं देते। ये जग वाले, आप याद करोगे कि आपके यहाँ ये मुखड़ा लिखा है और शायद अब ये फिल्म में जाएगा। तो जैसे प्यार का नगमा में बाथरूम में गाता था, ऐसे ही लिख दिया था। और क्या हो गया, शायद आप कहेंगे कि ये हमारे यहाँ लिखा था। क्या बात है। ये जग वाले खुशियों का भी दम भरने नहीं देते, ये जग वाले खुशियों देते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं। क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब जब आएगा तब ये अभी दो लाइन लिखी यही पढ़ा पढ़ा और क्या करता। एक और मुकुड़ा लिखा है वो भी सुना दो। हाँ वो भी सुना दीजिए। जिंदगी की कब शुरुआत होती मोहब्बत से कब। इधर क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कोई एक जगह स्टे हो जाओ। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं फोटो ले गए हो। अरे फोटो वोटो छोड़ो। फोटो क्या होता है? अभी तो हम जिंदा हैं, फोटो करो। नहीं 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 दूर। एक बार शुभकामना की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तालियां बजाइए। आप जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। बहुत छोटी सी बात कहता हूं इसलिए दद्दू जिंदा रहेंगे। अब जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, सामने हमारे जो संकाय सदस्य बैठे हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा, जब कभी इतिहास की बात हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अकबर ने कहा था, बाबर ने कहा था, लिंकन ने कहा था, नेहरू ने कहा था। लेकिन जब हम कबीर, तुलसीदास या किसी रचनाकार को पढ़ते हैं तो हमेशा ये लिखते हैं कबीर कहते हैं, सूरदास कहते हैं, तुलसी कहते हैं। रचनाकार कभी नहीं मरता। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दीर्घायु जीवन के लिए तालियां बजाइए। आइए वो मुखड़ा पढ़िए। ये मुखड़ा भी क्योंकि यहीं लिखा है मैंने, तो मुझे सुनाने में कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। मुहब्बत से कब मुलाकात होगी, मुहब्बत से कब, मुहब्बत से कब मुलाकात होगी, जिंदगी की कब शुरुआत होगी। क्या बात है, बहुत ही दार्शनिक शेर है भाई, बहुत ही दार्शनिक शेर है। वाह वाह। प्यार नहीं है जिंदगी में, वाह, तो जिंदगी नहीं है। अब क्या और जोरों से दांत डालूंगा। मोहब्बत से कब। आप नहीं खड़े होंगे, नहीं बैठ जाइए, बैठ जा। अबे मैं टीचर भी रहा हूँ। हाँ और सुनो, साइंस पढ़ी है मैंने और जिंदगी में स्वागत स्वागत बिल्कुल काम नहीं आई। मोहब्बत से कब। मोहब्बत से काम आई तो मोहब्बत। मोहब्बत से कब मुलाकात होगी, मोहब्बत से कब, मोहब्बत से कब मुलाकात होगी, जिंदगी की कब शुरुआत होगी। अब इसका उत्तर भी है और आपके खड़ा कर दूंगा आपको, दावे से कहता हूं। और यही बात शब्द का इधर उधर है। स्वागत। मोहब्बत से जब मुलाकात होगी, मोहब्बत से जब मुलाकात होगी, जिंदगी की तब शुरुआत। ओए हाय क्या बात है, वाह 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 वाह, शुरुआत वाह होगी जिंदगी की, क्या बात है। अरे वाह, आके ये दोनों मुखड़े दद्दू और मैं लिखूंगा, ये इतिहास हो गया। नहीं वाकई मोहब्बत से अब तो मुलाकात हो गई,
HBTU आए हो तो जिंदगी की शुरुआत हो गई। सीधे हाँ स्वागत। मैं क्या सुनाऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने गीत है। आप कोई भी गीत उठा लीजिए, सारे गीत आपके। नहीं, उससे पहले एक गीत सुना। हाँ सुना यार, मैं राज कपूर और मनोज, अच्छा करना फकीर, चलो जो ये कह रहे हैं, नहीं तो पैसे भी नहीं देंगे। वाइस चांसलर साहब भी छांट के रखते हैं अपने ऊपर, ये नहीं कि अपने हाथों से दें। स्वागत है। अपने हाथ से कुछ तो दो जाने मन। हाँ जाने जा। अब आपको मैं गीत, जो मैंने जिंदगी जी है, मैंने जो कुछ जिया और भोगा वही मैंने आपको लौटा दिया, मेरा कुछ। आज मुझे अच्छा लगा, दो मुखड़े यहाँ अच्छे बने, आपको अच्छे लगे? हाय मजा आ गया। ये एक गीत को कह रहे हैं, मैंने मीरा की पंक्ति से प्रभावित होकर गीत, ए भाई इतना थोपड़ा हमारा खराब नहीं है, ए इधर देख। आप लोगों के बीच में आया हूँ, अगर आपसे जवानी नहीं लेके जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? बात सुनो, चार चार बार टांग टूटी है, कलेजा नहीं टूटा है, ये मैं सच कह रहा हूँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं, 26 जनवरी को ये दिखाते हैं मिसाइल, तोपें और टैंक, और बाद में उनका कोई इस्तेमाल नहीं, जंग लग जाता है, लोहे के भाव बिकते हैं। अरे हमला करो, इस्तेमाल करो इनका। लाल बहादुर शास्त्री इतने छोटे से थे, नेट था हमारे पास, छोटा सा हवाई जहाज, साइबर जेट तोड़ दिए, पैटर्न टेंट तोड़ दिए, इस टाइम युद्ध की जरूरत है। हाँ स्वागत है। मैं रोजाना ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक बार निपटाओ ना मामले को। गीत अब मैं इनके वाला गीत पढ़ रहा हूँ, कोई कोई भी सुनाइए, आप जो भी सुनाएंगे वो बहुत शानदार होगा। शुक्रिया, एक बार ताली बजाइए, एक प्यार का नगमा शुरू करें। अरे चल सुनिए, एंड करेंगे। हाँ चल, तो दूसरा सुनाइए, दूसरा सुनाइए। यार मैं तुम्हारा गुलाब हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, आपका जो मर्जी आई, लेकिन शुरू करिए। हाँ जो मेरे मुंह में आएगा यार, बीच में तार टूट जाता है मेरा। कोई बात नहीं, जो मर्जी आए सुनाइए। ये जो गीत कह रहे हैं वो अच्छा गीत है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अभी नहीं, मैं ले लूँगा जहाँ मुझे जरूर। करना फकीरी फिर, अरे लाल किले को तालियां बजाना मैंने सिखाया। करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहना जी,
कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। और आपके ले लूँगा दाद अपने आप, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर पल भर ना घबराना जी, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाड़ू न कोई दिन पेड़ा कोई दिन फाकम फाका जी। वाह फकीरी फिर क्या दिल गिरी सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। बस सुनना और दाद देना आपको। ओ, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी, कोई फर्क नहीं होता है। अगली लाइन पर लूंगा और सबसे लूंगा। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। वाह 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 वाह, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। दोनों की जिंदाबाद। अहंकार सबसे बुरी चीज है। दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने, तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता। क्या बात है। रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी। कोई दिन मेला न कोई दिन से जा कोई दिन खाक बिछोना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह बहुत बना रहा है। वाह। और इस बंद से अच्छा मैंने जिंदगी में नहीं लिखा जो आपको था। मैंने दुनिया में बहुत खूबसूरती देखी है साहब, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुंदर आज तक कोई औरत नहीं देखी। बहुत अच्छा बहुत खूब। और सच्चाई बता रहा हूँ ये बन सुनना। स्वागत। हो माँ से अच्छा कुछ ना होता। माँ पे बहुत लोग लिख रहा है बहुत लिख रहे हैं और ये माँ बाप की बेइज्जती करते हैं मुझे इतना भी पता है, लेकिन मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ। मैंने तो भाषा को प्लेन कर दिया मजदूर से लेके और विद्वान तक वाइस चांसलर तक सब गाए ऐसी भाषा बना के दे दी है। अब तो ये उर्दू वाले सारे के सारे मेरी भाषा को लिए रोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, पढ़िए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। आपको भाषा ऐसी दी है बोली से भाषा बोलती है। माँ से माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। वाह। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है, सब रिश्ते नाते झूठे सब रिश्ते नाते झूठे हैं सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। सब रिश्ते नाते झूठे हैं माँ का प्यार ही सच्चा जी।
कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता दी। वाह 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 वाह, मगन मन रहना जी। कोई दिन आती न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। आखिरी वंदे राव, अगर आपने ये बात गांठ बांध ली तो जिंदगी में कहीं दंगा फसाद नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आप खड़े होकर दांत देंगे जी, अपने आप बंद देखिए। हो कुछ भी पाए गर्व मत करियो। हो कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है। ये भाषा मैंने ही दी है। ओ कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है। और तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी है। वाह 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 वाह, अभी आखिरी लाइन जिंदगी का सच। तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी। आप दाद और देखिए, भाषा देखिए और छंद देखिए। स्वागत। सबको अपना प्यार बांटना, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। वाह। प्यार बांटना मीठा बोल बोलना जी। कोई दिन मेला न कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म जमेला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। संतोषानंद जी थोड़ी सी सांस ले लें और अगले गीत का मन बना लें। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, 81 साल की आयु और आप देख रहे हैं कि जिंदगी में खुद ही उन्होंने कहा कितने बार टूटे हैं, इसके बावजूद ये मस्ती ये कोई फकीर ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आज की शाम बहुत महत्वपूर्ण हुई है और ऐतिहासिक शाम हुई है। सबसे बड़ा इतिहास ये है कि दो अच्छे गीतों के मुखड़े इस ज़मीन पे बने। आने वाले समय में अगर ये फिल्मों में आए और दुनिया में गूंजे तो हम सारे लोग गर्व के साथ लिख सकेंगे कि ये मुखड़े SBTU में बने। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं माँ की। जब कविता आपसे मैंने वो मुखड़ा सुना तो मुझे कहने का मौका मिला अपनी गजल के दो शेर। अब ये कहता हूं कि मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है। अच्छा। मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है, ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है, ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है। और मेरी माँ से भोली, मेरी माँ से सुंदर, मेरी दृष्टि में कोई औरत नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई औरत नहीं है। हम सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक बार ताली बजाइए। दो गीतों की विशेष मांग आई है। हम सोचते हैं कि समय की सीमा है लेकिन वो दो गीत जरूर सुन लिए जाएं। एक प्यार का नगमा है और जिंदगी की टूटे ने लड़ी। ये संतोषानंद जी पे छोड़ते हैं कि पहले वो कौन सा सुनाते हैं बाद में कौन सा सुनाते हैं। अगर ये फरमाइश अच्छी है तो बेगर ताली बजा दीजिए और संतोषानंद जी से निवेदन करिए जो चाहिए आप पहले सुना दीजिए। वाह वाह। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मेरे नौजवानों, भविष्य तुम्हारे हाथ में, इस भारत का। मैंने भी देखा है वो अमेरिका फमेरिका, धेले का नहीं लगा मुझे, सच कह रहा हूँ। वो शुद्ध रूपेण स्वार्थी है। और मैंने जिसे भी देखा स्वार्थी देखा,
मेरे भारत से अच्छा कोई नहीं, कोई सच। जिंदगी की न टूटे लड़ी, पहली लाइन पर तालियां जोरों से क्यों नहीं आ? तुम्हारे प्यार में बोलो, कोई याद आ गया। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी। अब पता नहीं कहाँ मुझे एक वकील मिला अभी, मुझसे बोला आपके दिमाग आपने ये कैसे ली। मैंने कहा आप तू जा अपनी वकालत कर, मुझे अपना काम करने दे। जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार, उर्दू में इसे तंकाफिया कहते हैं, लड़ी ये इस पे लाना। और मैंने इसे बाका मैंने जी गीत नहीं लिखे, मैंने तपस्या की है। 24 घंटे जागा हूँ, सही बात, जड़ तक पहुँचा हूँ। तो आप आपके दिल में है, आप अपने आप गा रहे हैं, मुझसे ज्यादा आपको याद है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। वाह वाह, प्यार करिए घड़ी दो घड़ी। आप लोग गाने तो लगते हो यार, गाते गाते यार मुझे भी तो जगाते रहो, मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा आपको याद है। आप इस लाइन पर रुक के दिखाना और दुनिया के वर्ल्ड लिटरेचर को चैलेंज करता हूँ। हालांकि चैलेंज करना गलत बात है, पर फिर भी कर रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, हो उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी। वाह 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 वाह, तो जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह भाई, मैं तो धन्य हो गया। हो कहानी ना हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह, ओ प्यार कर ले घड़ी। देखिए साहब, अगर जिंदा रहा और आप लोगों ने आवाज दी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, एक वादा करके जा रहा हूं, आज से अपना वादा रहा। आपको मुझसे ज्यादा याद अच्छा लग रहा है।
मिसेज वाइस चांसलर गा रही है ना, और वाइस चांसलर जी चुपचाप बैठे हैं। गवा के जाऊंगा उनसे, ये नहीं। एक बात बता दूं, हाँ जी, हौसला जीतता है हथियार नहीं। मैंने जो चाहा वो किया, हाँ सीधी सी बात है, करता अपने मन की हूँ। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। अच्छा लग रहा है, हाय हाय। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर। और इस बंद पे दा चाहूंगा, हो जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी। वो देख वो आलम देख आया, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बार बताऊं दोस्तों, कविता ही गीत ही एक ऐसी चीज है जिसमें ना रिश्वत है ना भ्रष्टाचार है। सच बात, ये मैंने आपको रिश्वत नहीं दी है, आपको अपने आप, आपको ये भी पता नहीं आप कब गाने लगते हैं। मेरा मुझे इससे ज़्यादा जिंदगी में कुछ चाहिए भी नहीं, मेरी तपस्या का फल ये है वो आप तक पहुँचा। बस स्वागत इशाद, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं आई, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, हमने दी है। क्रांति जिन लोगों ने देखी हो, ये समुंदर पे गीत होता है, वहाँ मैंने परिभाषा दी है प्यार की। आपको अच्छा लगे मैंने यहाँ से निकाल के दिया है, और ये आज़ादी ऐसे ही नहीं आई, उसके अंदर सबकी कुर्बानियाँ। मैं आपसे, मैं यहाँ आके धन्य हो गया, मैं क्या कहूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ। स्वागत, फकीर आदमी है। और आप मुझसे पहले गाएंगे, लाख गहरा हो सागर तो क्या, बताओ है? इधर देखो, लाख मत छेड़ो, लाख गहरा सागर तो क्या, छेड़े छेड़ा एक मत छेड़ो। वो लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, वो दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पैरा नहीं, वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले
घड़ी दो, ऐसी उम्र में अच्छे अच्छे का दम निकल जाता है और मैं दम निकाल लेता हूँ। जिंदाबाद। मैं अंत में आपकी मांग भर रहा हूँ एक प्यार। अरे मैं ना बोलूँगा नहीं, यह तो यार तुझे कल रात तक चलवाएगा। हाँ वाइस चांसलर साहब तो जबरदस्ती बैठे हैं क्योंकि मिसेज वाइस चांसलर ने बैठा रखा है। मजा आ गया। हाँ आप दोनों की मोहब्बत देख के भी मजा आ गया। वाह कमाल, लगता है आज जो वो मुखड़े बने थे वो इन पर ही बने थे। अच्छा मैं अभी आपने देखा होगा मेरा भी एक घंटे का आकाशवाणी के हर चैनल से गया था अलग से प्रोग्राम, और सोनी पर प्यारे लाल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, तो जब ये गीत प्यारे लाल ने उस पर बजाया वायलिन पे, तो वहाँ जितने भी लोग थे सारे के सारे रोए थे। अब वो क्यों रोए, तो मुझे फिर प्यारे लाल का फोन आया, मुझसे बोले हर आदमी आपको याद कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी का मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था प्रारंभ में। हो जाता है किसी से लगाओ लगाओ, होता जाता कुछ नहीं है। हाँ तो वो लगाओ में मैंने ये दो लाइन लिख दी थी, इशाक, और मैं बाथरूम में गाता था, लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करते, मैं करता जिंदगी और कुछ भी नहीं ऐसे करके गीत बना। मुझे क्या पता था ये हो जाएगा, 50 साल से ज्यादा हो गए। इसके बाद तो जान छोड़ दोगे। इसके बाद तो मुझे इजाजत दे देना, लेकिन ऐसी विदा देना कि मैं फिर आऊं। इशाक एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, बताओ क्या बताऊं मैं, आपके लिए लिखा था आप तक पहुंच गया। संतोषानंद जी भावुक हो गए हैं। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, पूरी बात दो पंक्तियों में, कमाल कमाल।
वाह बैठ बड़ी कृपा। संतोषानंद की उम्र भले ही 81 साल की हो लेकिन इनके भीतर अभी भी 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ है जो कभी हंसता है और कभी इस तरह से रोता भी है। एक बार फिर से तालियां बजाइए और बैठ जाइए, गीत को पूरा होने दीजिए। वाह बैठ मैं कहा था मैं भूल गया मैं जिंदा भी हूँ। आप इस कदर आपने मैं यही भूल गया मैं पढ़ू क्या प्यार का नगमा है। मैं आपके प्यार को नहीं भूल पाऊंगा। ये है वो मिलेनियम गीत। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी। कुछ पाकर खोना है बताओ जी, कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है। बहुत खूब। इस लाइन को मैंने जिंदगी जीने का सबक दिया लेकिन मैं मृत्यु को जिंदगी बना के जी रहा हूँ। सच कह रहा हूँ। दो पल के जीवन से इससे बड़ी लाइन आप देखिए। बहुत बड़ी बात। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। वाह आप ही कह सकते हैं साहब। जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक बंदे आओ जो मैंने पत्नी पे सिर्फ ये दो लाइन लिखी है, आप जब शादी शुदा है घर जाके सुना देना। मेरी पत्नी देहात से 4 साल माँ बाप के पास रही, वीकेंड में मैं घर जाता था सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर मैं जहाँ मैं पैदा हुआ। तो लेकिन तभी ये फिल्मों में मैं गया, मैं उसे दिल्ली ले आया तब वो वहाँ अकेली थी। तब तो लाइटनिंग कॉल भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, फ़ोन घर पे नहीं था। तो एक दिन उसने मेरे को फ़ोन किया, वो भी दिल्ली में आके महानगर में, उसका भी खोपड़ा ख़राब हो गया। तो मुझसे अचार मैं बड़ी मेहनत कर रहा था उस टाइम, मैं सच कह रहा हूँ। भूख मैं जब काम करता हूँ साहब मुझे भूख प्यास नहीं लगती अभी भी। तो वो मुझसे कहती है जब आपको मेरे साथ रहना नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की। हमने कहा मर गए जिनके लिए मर खप रहा हूँ यहाँ, वही मुझे उलाना और ताना दे रहे। तो मैंने साथ दो लाइन लिखी और शायद आपको मुझसे ज़्यादा याद है। तू धार नदिया की
धार नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। वाह वाह वाह। लाइन देख रहा साहब, आंखों में समंदर है, आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है, और परछाइयां रह जाती, आज मेरी पोती है, परछाइयां रह जाती, रह जाती निशानी है, जिंदगियां कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। साहब दो बन आपको वो सुना रहा हूं जो फिल्म में ने, और रोक के दिखा रहा, ये दोनों बंद फिल्मी में नहीं, तो हो नहीं, आप पहली बार सुनेंगे आप? नहीं आपने तो बहुत बार, नहीं आप पहली बार सुनेंगे। मैं तो महीने में चार बार सुनता हूँ आपसे। वो मैंने ये आप सामने से सुनेंगे लेकिन देख लेना, लोगों को याद होगा। फिल्म में नहीं है? हाँ फिल्म में नहीं है। जो बीत गया है वो, मजा रहा, जो बीत गया है वो, अब दौड़ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, वाह। ए ए हट। मुझे कोई जरूर, क्या बात है, जो बीत गया है वो तो बैठेगी नहीं अब। हाँ और ये खड़े होंगे बार बार। हाँ ये देख, जो इसके बाद एक ही छंद तो और सुना रहा है, कब तक मेरी जान खाओगे? नहीं नहीं हाँ, जो बीत, अच्छा लग रहा है आपको? जो बीत गया है वो, अब दौड़ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, लाइन देख रहा, मैं फिर कहता हूं, अपने आप दाद देंगे आप।
घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। वाह वाह, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कमाल कमाल, वाह। आखिरी बंद, अंतिम बंद, मैं नहीं, बुरा मत मानना जी, मुझे लोग लंगड़ा कहने लगे थे, साइंस कहीं काम नहीं आई, फिर ये खोपड़ा ही काम आया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, जो दे तो डाक सुने क्यों ना से तबे अकला चलोगे। अगर तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता है तो तू अकेला चल। चुनौती नहीं है सब इसमें, कोई भी कोई आए आए, नहीं आया नहीं आए, तू अपना चलता चल। मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साफ चुनौती इसमें भी नहीं है, लोग आते गए बनता गया, नहीं आते तो क्या कर लेते, सही है ना। अब आप मुझे देखिए, ये थॉट आप, मैं और आप अंतिम दे रहा हूं मैं, और दिल से दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, सबको। तुम साथ न दो मेरा, सुन रहे हैं आप, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। वाह 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 वाह, क्या चैलेंज। अगली लाइन पे लूंगा दांत तो, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे। वाह जिंदाबाद, और तदबीर के हाथों से, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ। ये है हौसला संतोष आनंद जी का, एक प्यार का नगमा है। मेरे साथ गाओगे सब में स्वर में बिल्कुल जैसे मैं गाऊं, एक प्यार का नगमा है तवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। हो हो हो, 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 हो कालिया।
वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। सिर्फ 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 दो मिनट और बैठ जाइए। ये कार्यक्रम संतोषानंद जी का आपने हौसला देखा, ऐसे कालजयी गीत लिखने वाले संतोषानंद, आज उन्होंने एचबीटीयू में जो इतिहास बनाया है, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, ये कार्यक्रम अभी खत्म नहीं किया जा रहा है, ये अगले साल तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और एक निवेदन, और एक निवेदन ये कि माननीय कुलपति जी मेरे मित्र हैं, सामने बैठे हैं, उनके आदेश में हम लोग आए हैं, आपको कुछ काम था, आपने जाने का उपक्रम किया, लेकिन निवेदन पर रुके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से घाटे में नहीं गए होंगे। आइए और दो शब्द हम कवियों के लिए भी और हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कहिए, इसके बाद में ये कवि सम्मेलन स्थगित होगा। बहुत उल्लास के साथ सुना, और मनी सिंह साहब भी सामने बैठे हैं, आप भी, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आइए सिंह साहब, आइए। ये पूरी एचबीटीयू की ओर से स्वागत है। हाँ, और कुलपति जी से मेरा निवेदन है कि एक सॉल माननीय संतोषानंद जी को, एक सॉल इधर लेके आओ बच्चों, इधर माल्यार्पण हो गया, आप शाल्यार्पण हो जाए। हाँ भाई फोटो लीजिए भाई सब। और अब डॉक्टर अना दहलवी जी का सम्मान।